गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे बालक बाघ राम कथा। इसमें हम सेकंड टॉपिक ले रहे हैं जंगल और जनकपुर। अभी तक हमने देखा कि भगवान रामचंद्र जी का जन्म हो चुका है और विश्वामित्र जी उन्हें, महर्षि विश्वामित्र अपने साथ उन्हें जंगल में ले गए हैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। आज उसके आगे राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे, उन्हें नदी पार करना थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते गए। दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूटता गया। उसकी आखिरी बस्ती निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया, सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। अब वो आगे बढ़ते जा रहे थे विश्वामित्र के साथ। राम लक्ष्मण ने एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा, उनकी नज़र सामने वर्ष विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर थी। सूरज चमक कर धीमी पड़ने लगी थी, शाम होने आई थी। राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, गुस्सा था। वे दिन भर पैदल चले, चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके, उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़िया के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था, चरवाहे लौट रहे थे क्योंकि संध्या ढल गई थी। गायों के पैर से उड़ती धूल में आधे छिपे हुए। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हें दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने पर कोई तुम पर प्रहार नहीं करेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में सो रहे होंगे। ऐसी विद्या कौन सी थी? राम लक्ष्मण नदी से मुँह हाथों को लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। कौन सी विद्याएं? बला अति बला। देखिए विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई? बला और अति बला नाम की विद्याएं उन्होंने दोनों को सिखा दी। रात में वे लोग सोए, तिनको और पत्तों का बिस्तर बना के नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे से जाना था उन्हें। चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ दो नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर था, राम लक्ष्मण दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उन्हें उनकी बातें ध्यान से सुनाई दे सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता है। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगल से होकर उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना विश्वामित्र को उचित न लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए संगम पर बने आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना दुर्गम। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती, इतना घना, इतना डरावना, कर्कश ध्वनियाँ। राम लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर वनस्पतियाँ जंगल की शोभा हैं, इनसे कोई डर नहीं। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है, तुम्हें यह खतरा हमेशा के लिए मिटाना है। ताड़का के डर से कोई जीवन में नहीं आता, जो भी आता है ताड़का उसे मार डालती है। जंगल में कौन सी, दूसरा लिखिए, देखिए उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया। देखिए सुंदर वन का नाम, सुंदर वन का नाम ताड़का वन कैसे पड़ गया। ठीक है, वन तो सुंदर वन था, पर उसका नाम ताड़का वन
फरदायत राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यच्छा चढ़ाई, उसे एक बार खींचा। ताड़कों को क्रोधित करने के लिए बहुत था, टंकार सुनते क्रोध से बिलबिलाई ताड़का। गरजती हुई राम की ओर दौड़ी, दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशाल काय पेड़ का भूखे पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू किए, राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा, ताड़का बाणों से गिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठी। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न, उन्होंने राम को गले से लगा लिया, उन्हें दोनों राजकुमारों को 100 तरह के अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उसका महत्व समझाया। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, इसलिए तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तक तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उनका भय नहीं था। तीनों ने रात बिताई ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भयमुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब थी, सरसराहट का संगीत, चिड़ियों की चहचहाट और जंगल का वातावरण सुरम्य हो चला था। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की प्रसन्नता दुगनी हो गई, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख था। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लगे थे, अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे, अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था। कुछ ही दिनों में 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति निर्विघ्न। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति राक्षसों को भगा दिया है। राम लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक सोने का निर्णय न लिया, वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, कमर में तलवार, पीठ पर तुनीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार थे। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दलबल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। देखिए हर वाला आश्रम पर धावा किन राक्षसों ने किया, क्या नाम थे उनके? बाहु और सुबाहु। इन दो राक्षसों ने आश्रम पर हमला कर दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इसी बात से राम लक्ष्मण ने उसकी मां को मारा था। ताड़का को राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया, मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया, बाण के वेग से बहुत दूर जा गिरा, समुद्र के किनारे वह मरा नहीं, हो शायद तो दक्षिण की ओर भाग गया। सुबाहु को लगा उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई, चीखते चिल्लाते कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार, कुछ अन्य जान बचाकर भाग गए। अब देखिए महर्षि विश्वामित्र के अनुसार संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम किया। अब राम लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। स्थान देखने जाने का अवसर सोनति पाकर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास गए। गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंच गए। राजा जनक ने महल से बाहर आकर के उन लोगों का स्वागत किया। विदेही राज चकित हो गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, सुंदर राजकुमार कौन है? ये राम लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं, आपका अद्भुत धनुष दिखाने। विदेही राज ने महर्षियों के शिष्यों को राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की, सुंदर उद्यान दिया, शिव धनुष को यज्ञशाला में लगाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ, पेटी में पहिए लगे हुए थे 8 पहिए, उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसका कर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता, अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले गए। धनुष देखते हुए विदेही राज एक पल के लिए उदास हो गए। उनका मुनिवर मैंने प्रतिज्ञा की कि बुद्धि सीता के विवाह के संबंध में जो धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यक्षा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। फोर्थ नंबर लिखिए,
त्रिवेद राज ने, मतलब जनक राजा ने, विदेह राज ने सीता जी के विवाह, सीता जी के लिए शिव धनुष क्यों रखा था? क्या उनकी मंशा थी? उनकी मंशा थी कि जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता जी का विवाह किया जाएगा। उठो वाष्य धनुष देखो, राम ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोला और इसकी प्रत्यक्षा चढ़ा दूं मुनिवर। राम ने पूछा, अवश्य ऐसा कर सकते हैं। आसानी से धनुष उठाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यक्षा चढ़ा दी। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, धनुष के दो टुकड़े हो गए। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी, उनकी खुशी का ठिकाना न था। मुनिवर आपकी अनुमति हो तो मैं महाराजा दशरथ के पास संदेश भेजूं बारात लेकर आने का निमंत्रण, क्योंकि भगवान राम के विवाह की तैयारियां होने लगी थी। महाराजा जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशियां छा गईं। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी, हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, प्रवेश द्वार पर बंधन बार, एक एक घर से मंगल गीत गाए जा रहे थे। खिड़कियों और छज्जों पर महिलाएं झांक रही थीं राम सीता की जोड़ी को देखने के लिए। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ कह राजन राम मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर, बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से। उस ध्वज की दो पुत्रियां मांडवी सुकेती, कृपया उन्हें भरत शत्रुघ्न के लिए स्वीकार कीजिए। राजा दशरथ ने उनका प्रस्ताव मान लिया। विवाह के बाद बाराती बहू को लेकर अयोध्या लौटे और अयोध्या में संघ ध्वनि से गलियां गूंज उठी, आनंद उत्सव होने लगा। फिर तो आला लिखिए, महाराजा दशरथ, महाराजा दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह और आपका लेसन सेकेंड आज समाप्त हुआ। बच्चों धन्यवाद।